बिहार के सीएम नीतीश कुमार को गुजरात के सूरत से मिली धमकी, पुलिस ने लिया कैसा बड़ा एक्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी देने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। सीएम नीतीश कुमार को धमकी देने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है। सूरत के लस्करा से गिरफ्तार युवक का नाम अंकित मिश्रा है। आरोपी सूरत में मजदूरी करता है। अंकित मिश्रा ने नीतीश कुमार को व्हाट्सएप के जरिए जान से मारने की धमकी दी। सीएम नीतीश कुमार को धमकी दिए जाने की खबर पुलिस को मिली तो तुरंत जांच शुरू हो गई। बिहार पुलिस की टीम ने गुजरात क्राइम ब्रांच से संपर्क किया। इसके बाद आरोपी के मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया गया और उसे पकड़ लिया गया। इस बारे में सूरत पुलिस ने आधिकारिक जानकारी भी दी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को 20 मार्च को अंकित मिश्रा ने बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इस मामले में पटना सचिवालय थाना ने मदद मांगी। टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर आरोपी की लोकेशन ट्रैक की गई। इसके बाद आरोपी को सूरत से गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी ने गूगल से सर्च करके मुख्यमंत्री का नंबर निकाला था। उसके मोबाइल से कई और नंबर मिले हैं। पूछताछ में आरोपी ने रैंडम मैसेज करने की बात कबूली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने गूगल पर बिहार के मुख्यमंत्री ऑफिस का नंबर पता किया। इसके बाद व्हाट्सएप के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बम से उड़ाने की धमकी दी। इस मामले की भनक लगते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मामले की जांच शुरू की गई और बिहार पुलिस सूरत तक पहुंची, जहां पर आरोपी को गुजरात क्राइम ब्रांच की मदद से पकड़ा गया। इस मामले की जांच करने और आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर पटना लाने के लिए बिहार पुलिस की टीम सूरत पहुंची। बताया जाता है कि आरोपी को पटना लाकर कड़ाई से पूछताछ करने की तैयारी है, क्योंकि ये मामला बेहद हाई प्रोफाइल है। ये भी पता लगाया जाएगा कि युवक कहां का रहने वाला है, उसने सीएम को धमकी क्यों दी, उसका मकसद क्या था, इस साजिश में आरोपी के साथ और कौन कौन है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि युवक किसी राजनीतिक दल से तो नहीं जुड़ा है। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार को धमकी दी गई हो। ऐसे मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। पिछले साल तो सीएम नीतीश कुमार पर एक युवक ने हमला कर दिया था। उस समय नीतीश कुमार बिहार के बख्तियारपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। उसी दौरान सीएम का सुरक्षा घेरा तोड़कर एक युवक नीतीश कुमार के करीब पहुंचा और उन्हें मुक्का मार दिया, जिसे मौके पर मौजूद सुरक्षा के जवानों ने पकड़ लिया। इस घटना पर खूब हंगामा मचा था और नीतीश कुमार की सुरक्षा पर सवाल भी उठे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री का सुरक्षा घेरा काफी मजबूत रहता है। इसके बाद भी एक युवक न सिर्फ उन तक पहुंचा, उन पर हमला भी कर दिया। इस बीच अब नीतीश कुमार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन मामले की जांच गंभीरता से की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आरोपी ने नीतीश कुमार को धमकी क्यों दी? क्या इस मामले के पीछे किसी और का हाथ है? इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।